आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुनिए मेरा राइट है ना, तुम तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, तुम एक चैनल के लिए काम करते, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, अब जॉब नहीं दू मत दू। तो इस चुनाव में इम्तियाज जलील भी कैंडिडेट रहेंगे, इस चुनाव में इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील के साथ मुफ्ती इस्माइल रहेंगे, फारूक शाह रहेंगे और हमारे शोलापुर के फारूक साहब भी रहेंगे और हमारे मुंबई के सदर रईस लश्करिया रहेंगे। तो तुम्हारे को ये पांच नाम दे दिया मैं, ये तो कैंडिडेट रहेंगे हमारे, क्योंकि दो तो एमएलए हैं, एक मालेगांव से और एक हमारे धुलिया से, तो ये तो रहेंगे। अब और कितने कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे अभी तो टाइम लगेगा, देखते हैं। जिस तरह से देश देखिए इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के मेरे अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत करो और मेरे ख्याल से कोई बातचीत एक जगह पे अनऑफिशियली भी हुई, अब उनको तय करना है। अब सुन लीजिए अब क्रॉस क्वेश्चन मत करिए, हम तो बोल चुके, हमारा स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि उनको तय करना है।